गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आर नेक्स्ट चैप्टर इन जीके टुडे इज चैप्टर नंबर 7, दैट इज प्लांट एंड एनिमल फैक्ट्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स के कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो हम लोग इस चैप्टर में आज पढ़ेंगे। ओके, लेट अस सी द फर्स्ट वन। सी, आपको इनमें ऑप्शंस दिए हुए हैं और यू हैव टू टेक द करेक्ट ऑप्शन। जो करेक्ट आंसर्स हैं उनमें आपको टिक करना है। सी द फर्स्ट वन, दीज गिव अस कुकिंग ऑयल। सी, इन फर्स्ट वाले में तीन पिक्चर्स दिए हुए हैं नट्स के। द फर्स्ट वन इज कोकोनट, सेकंड पिक्चर जो है वो पीनट एंड थर्ड पिक्चर इज वॉलनट। ये तीनों नट्स हैं और इन तीनों में से हमें कौन से नट्स ऑयल देते हैं, कुकिंग ऑयल। इट इज़ ऑल द थ्री। कोकोनट ऑयल भी हम लोग खाने में यूज़ करते हैं, पीनट भी खाने में यूज़ करते हैं एंड वॉलनट भी खाने में यूज़ होता है। कम टू द नेक्स्ट वन, दीज प्लांट्स गिव अस फाइबर्स फॉर मेकिंग रोप। रोप जो हम लोग यूज़ करते हैं ना, जूट की रोप्स, ये सारी रोप्स जो होती हैं ये हमें कहाँ से मिलती हैं, ये भी हमें प्लांट से ही मिलती हैं। एंड विच प्लांट्स गिव अस दीज। सी, थ्री ऑप्शंस दिए हुए हैं, जूट, कोकोनट, फ्लेक्स। सो स्टूडेंट्स, हमें रोप इन तीनों प्लांट्स से, प्लांट्स की फाइबर से मिलते हैं। दे आर जूट रोप भी होती है, कोकोनट के जो ऊपर की शेल के ऊपर जो होता है ना हार्ड पोर्शन पतले पतले, वो उससे भी रोप बनाई जाती है। एंड दिस प्लांट फ्लेक्स से भी, इस फाइबर से भी रोप बनाई जाती है। कम टू द थर्ड वन, सी द थर्ड वाला देखिए क्या दिया हुआ है। थर्ड सेंटेंस, दीज ट्रीज गिव अस वुड फॉर मेकिंग फर्नीचर। ओके, गुड फर्नीचर, जो अच्छा फर्नीचर होता है ना, जिसकी वुड, जिस ट्री की वुड अच्छी होती है उसी से फर्नीचर बनाया जाता है ना। सो वो कौन कौन से ट्री के ट्रंक से फर्नीचर बनाया जाता है, दे आर टीक, पाइन, महोगनी। इन तीनों ऑप्शंस जो दिए हुए हैं, इन तीनों ट्री के वुड से फर्नीचर बनाया जाता है। व्हाट आर द थ्री ट्रीज, टीक, पाइन, महोगनी। कम टू द फोर्थ वन, सी फोर्थ वाला फैक्ट क्या है। क्लोव्स आर, क्लोव्स आपने देखा होगा, देखिए ये खाने में यूज़ होती है ना, खाना बनाने में। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, लौंग, है ना। सो ये कौन सा पार्ट ऑफ द प्लांट होता है, इट इज़ आइदर ट्विग्स, सीड्स या फ्लावर बड्स। सो स्टूडेंट्स, ये जो क्लोव्स जो खाने में यूज़ होती है वो प्लांट का विच पार्ट है, इट इज़ फ्लावर बर्ड्स। ओके, क्लोव्स जो होती हैं वो फ्लावर बर्ड्स होती हैं। कम टू द फिफ्थ फैक्ट, फिफ्थ देखिए, पिक द इंसेक्ट ईटिंग प्लांट। ये तीन प्लांट्स, थ्री फ्लावर्स दिए हुए हैं, है ना, थ्री डिफरेंट प्लांट्स दिए हुए हैं। तो इनमें से कौन सा प्लांट जो है जो इंसेक्ट को खाता है। ओके, सी देर आर थ्री प्लांट्स गिवन। द फर्स्ट वन इज सनड्यू, सेकेंड वन इज ऑर्चिड, थर्ड वन पिचर प्लांट। सो स्टूडेंट्स, इन तीनों में से सनड्यू एंड पिचर प्लांट जो है ना वो इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स हैं। ओके, ये दे प्रे ऑन इंसेक्ट्स। ओके, ये इंसेक्ट्स खाते हैं। कम टू द सिक्स्थ सेंटेंस, सिक्स्थ देखिए, सिक्स्थ फैक्ट क्या है। दिस इज द लार्जेस्ट फ्लावर। ओके, दुनिया में, पूरी वर्ल्ड में सबसे बिग फ्लावर कौन सा है। देखिए अगेन, थ्री ऑप्शंस आर गिवन, लीली, डालिया, रेफ्लेशिया। सो तो जो लार्जेस्ट फ्लावर है ना पूरी वर्ल्ड में सारे प्लांट्स में, वो है रेफ्लेशिया। ओके, लार्जेस्ट फ्लावर का नेम क्या है, इट इज़ रेफ्लेशिया। कम टू द सेवेंथ वन, सेवेंथ देखिए क्या है। द बार्क ऑफ दिस प्लांट इज़ यूज्ड टू मेक अ मेडिसिन फॉर मलेरिया।
ओके, कौन से प्लांट का बाक जो वुड के ऊपर का जो पोर्शन होता है उसको क्या कहते हैं, बाक कहते हैं, है ना। तो कौन से प्लांट का जो पार्ट होता है जिसको एज अ मेडिसिन यूज़ किया जाता है, किसकी मेडिसिन, मलेरिया की मेडिसिन बनाने में, ओके। सी अगेन, थ्री ऑप्शंस आर गिवन, इट इज़ सिंकोना, पॉपी, सिनेमम। तो हम मलेरिया की मेडिसिन बनाने के लिए कौन सा प्लांट यूज होता है, इट इज़ सिंकोना। कम टू द एट वन, नंबर एट क्या दिया हुआ है, द लीफ ऑफ दिस प्लांट इज बिग इनफ फॉर अ चाइल्ड टू सिट ऑन। ओके, इस प्लांट का लीफ जो है वो इतना बड़ा होता है कि एक चाइल्ड, एक बच्चे को उस लीफ के ऊपर बैठा सकते हैं। ओके, सो विच प्लांट्स लीफ इज इट, अगेन थ्री ऑप्शंस आर गिवन, देखिए, लोटस, वाटर हाइसेंट, एमेजॉन वाटर लीली। सो कौन से प्लांट का लीफ इतना बिग होता है, इट इज़ सो बिग दैट अ चाइल्ड कैन सिट ऑन इट, इट इज़ एमेजॉन वाटर लीली। ओके, सो एमेजॉन वाटर लीली का लीफ इज़ बिग इनफ टू मेक अ चाइल्ड सिट ऑन इट। कम टू द नाइन्थ वन, सी नाइन्थ वाला क्या दिया हुआ है, दिस फ्लावर स्टिंक्स। अगेन थ्री फ्लावर्स के नेम्स दिए हुए हैं, सी इट इज़ रेफ्लेशिया, मैरीगोल्ड, कार्नेशन। ओके, इन तीनों फ्लावर में से कौन से फ्लावर में से बदबू आती है। ओके, सारे फ्लावर्स जो होते हैं उनमें से खुशबू आती है, दे गिव नाइस फ्रेग्रेंस, है ना, ऑल द फ्लावर्स गिव नाइस फ्रेग्रेंस, बट वन फ्लावर ऐसा है जो स्टिंक्स, जिसमें से बदबू आती है, विच फ्लावर इज इट, इट इज़ रेफ्लेशिया। सो स्टूडेंट्स, रेफ्लेशिया फ्लावर जो होता है उनमें से बदबू आती है, इट स्टिंक्स। ओके, कम टू द नेक्स्ट पेज, कम टू पेज नंबर 12। सी पेज नंबर 12 में, कम टू द 10th सेंटेंस, 10th फैक्ट क्या दिया हुआ है, दीज एनिमल्स कैन बी सीन इन एंड अराउंड एंटार्क्टिका। सो स्टूडेंट्स, अगेन थ्री पिक्चर्स दिए हुए हैं, ये किन किन के पिक्चर्स हैं, इट इज पेंगुइन, वाइट टाइगर, डॉल्फिन। सो स्टूडेंट्स, इन तीनों में से कौन से एनिमल जो हैं जो एंटार्क्टिका में फाउंड होते हैं, एंटार्क्टिका में दिखते हैं, एंटार्क्टिका इज़ अ वेरी कोल्ड प्लेस, है ना। सो स्टूडेंट्स, पेंगुइन एंड डॉल्फिन, ये जो दो फिशेस हैं ये एंटार्क्टिका में दिखती हैं, दे आर फाउंड, दे आर सीन एंड इन एंड अराउंड एंटार्क्टिका। कम टू द 11th सेंटेंस, 11th फैक्ट क्या दिया हुआ है, सी इफ अ स्टारफिश इज कट इनटू पीसेस, स्टारफिश आपने देखिए, सी इट इज़ लाइक दिस, स्टार की शेप में होती है। ओके, सो स्टारफिश को अगर कट कर दिया जाए तो क्या होता है, थ्री ऑप्शंस आर गिवन, ऑप्शन ए इज इट डाइज, वो मर जाती है, ऑप्शन बी इज द पीसेस जॉइन अप अगेन, ऑप्शन बी क्या है, सारे पीसेस जो होते हैं वो दोबारा से जॉइन हो जाते हैं, ऑप्शन सी इज ईच पीस ग्रोज इनटू अ स्टारफिश। सो स्टूडेंट्स, इफ अ स्टारफिश इज कट इनटू पीसेस, अगर स्टारफिश को पीसेस में काट दिया जाए तो क्या होता है, सी ईच पीस ग्रोज इनटू अ स्टारफिश, हर पीस, जितने भी पीस कटे हैं वो हर पीस जो होता है एक नया स्टारफिश बन जाता है उनसे। ओके, नाउ कम टू द 12th वन, 12th हमारा जो 12th फैक्ट दिया हुआ है, व्हाट इज इट, दिस एनिमल इज बॉर्न विथ हॉर्न्स इन, एंड ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं, डियर, जिराफ, राइनोसेरोस।
ओके, इन तीनों एनिमल्स के हॉर्न्स होते हैं, लेकिन इन तीनों में से कौन सा एनिमल है जिनके बर्थ के समय भी उनके हॉर्न्स होते हैं, उनके सर पर सींग होते हैं, ओके, लेकिन और जो एनिमल्स हैं उनके बाद में निकलते हैं सींग, जैसे जैसे वो ग्रो होते हैं वैसे वैसे उनके हॉर्न्स निकलते हैं, लेकिन जिराफ एक ऐसा एनिमल है जिनके बर्थ के समय से ही इनके हॉर्न्स होते हैं, ओके। कम टू द 13th फैक्ट, फ्लेमिंगोज गेट कलर फ्रॉम देयर। फ्लेमिंगोज देखिए, ये एक बहुत प्यारी सी बर्ड्स होती हैं, सी वेरी ब्यूटीफुल, ओके, एंड इनको इनका जो कलर होता है, इनको कलर किससे मिलता है, दे गेट देयर कलर फ्रॉम फूड, पेरेंट्स, सराउंडिंग्स, इन तीनों में से किस चीज़ में से उनको कलर मिलता है उनके, सी दे गेट देयर कलर फ्रॉम फूड। कम टू द 14th वन, दिस इंसेक्ट फ्लैशेज अ ब्राइट लाइट व्हाइल फ्लाइंग। एक इंसेक्ट ऐसा आपने देखा होगा ना स्टूडेंट्स, जो जब फ्लाई करता है तो उसमें से लाइट निकलती है ना, उसको सी थ्री ऑप्शंस दिए हुए हैं, द फर्स्ट वन इज ज्यूअल बग, सेकेंड फायर फ्लाई, थर्ड इज मून मॉथ। सो स्टूडेंट्स, इन तीनों में से, इन तीनों इंसेक्ट्स में से फायर फ्लाई एक ऐसा इंसेक्ट है जिनमें से लाइट निकलती है, जब ये बर्ड, ये इंसेक्ट जब उड़ता है ना तो इसकी बॉडी में से लाइट निकलती है। कम टू द 15th फैक्ट, 15th फैक्ट देखिए क्या है, द रेड लिक्विड गिवन आउट बाय अ हिप्पोज स्किन एक्ट्स एज, ओके, हिप्पो की जो स्किन होती है ना स्टूडेंट्स, उसमें से एक रेड लिक्विड निकलता है, रेड लिक्विड निकलता होता है, और ये रेड लिक्विड इज़ वेरी यूजफुल। ये किस लिए यूजफुल होता है, सी थ्री ऑप्शंस आर गिवन, व्हाट आर द थ्री ऑप्शंस, परफ्यूम, सनस्क्रीन, कोल्ड क्रीम। सो स्टूडेंट्स, ये हिप्पो की स्किन से जो रेड लिक्विड निकलता है, ये एक बहुत अच्छा सनस्क्रीन की तरह एक्ट करता है, इट इज़ अ गुड सनस्क्रीन। कम टू द 16th फैक्ट, 16th फैक्ट देखिए, मैनी ककूज लाइक द एशियन कोयल डू नॉट, ककूज लाइक द एशियन कोयल्स, ये बर्ड्स हैं है ना, ये बर्ड्स क्या नहीं करते हैं, सी ऑप्शन ए इज सिंग, बी इज फ्लाई, एंड सी इज बिल्ड नेस्ट्स। ये जो ककूज हैं ना एशियन कोयल की तरह, ये नेस्ट्स नहीं बनाते हैं, ये अपने नेस्ट्स बिल्ड नहीं करते हैं, ये अपने एग्स जो है ना दूसरे बर्ड्स के नेस्ट में ले करते हैं, ओके। कम टू द 17th फैक्ट, अ कैमेलियन चेंजेस कलर विथ चेंजेस इन। कैमेलियन आपने, इससे पहले भी हम लोगों ने एक चैप्टर में पढ़ा है ना कैमेलियन के बारे में, कि वो उसकी बॉडी का जो कलर होता है ना, वो जिस चीज़ के ऊपर भी बैठता है वो उसका कलर जो होता है वो चेंज हो जाता है, उसी चीज़ जिस सरफेस के ऊपर भी बैठेगा उसी सरफेस का कलर वो उसकी बॉडी का भी हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, अ कैमेलियन चेंजेस कलर विथ चेंजेस इन, वो कब चेंज करता है अपना कलर, ऑप्शन ए इज मूड, बी सराउंडिंग्स, हीट एंड लाइट। सो स्टूडेंट्स, जब उसका मूड होता है और हीट और लाइट में जब चेंजेस आते हैं, तब उसकी बॉडी का कलर भी उसके सरफेस के कलर में चेंज हो जाता है, जिस चीज़ के ऊपर भी वो बैठा हुआ होता है उसका कलर भी वैसा ही चेंज हो जाता है, ओके। कम टू द 18th वन, द लास्ट वन, विच ऑफ दीज कैन लिव द लॉन्गेस्ट विदाउट वाटर। सी अगेन, थ्री एनिमल्स के पिक्चर्स दिए हुए हैं नीचे, सी इट इज़ अ कैमल, अ शीप, एंड कैंगरू रैट। सो इन तीनों में से कौन सा एनिमल ऐसा है, इन तीनों में से जो सबसे ज़्यादा देर तक विदाउट वाटर रह सकता है, कैन लिव विदाउट वाटर सबसे ज़्यादा, द लॉन्गेस्ट,
इट इज कैंगरू रैट. ओके सी द लास्ट पिक्चर जो दिया हुआ है ना, ये जो कैंगरू रैट है ये बहुत ज़्यादा देर तक बिना पानी के जिंदा रह सकता है. ओके सो स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर वी हैव स्टडीड फ्यू फैक्ट्स अबाउट एनिमल्स एंड प्लांट्स.